हम आगे बढ़ेंगे फिर ये जलेंगे तरक्की से हमारे। कैसा लगा फिर ब्लॉगरों की बेइज्जती करते हुए? मजा आ रहा है। हेलो हाय गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी? कर लेते हैं नए दिन से नए ब्लॉग की स्टार्टिंग। कल के ब्लॉग में बोला था कहीं दूर ट्रिप में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया क्योंकि कोई किसी को रास्ता पता ही नहीं था, किसी को कुछ, किसी को कहीं जाना था तो जा नहीं पाए। तो देखते हैं, आज तो घर में ही हैं, कल जाएंगे। बहुत दिनों बाद छत में आए हूँ, तो छत से ब्लॉग की स्टार्टिंग आज कितने समय बाद मैं कर रही हूँ। ये दिन का समय है, गाड़ियों का अब घर जाने का समय हो गया है, किसी का वापस आने का समय हो गया है। तो सुबह के टाइम पे ना सभी गाड़ियाँ इधर को आते हैं, लेकिन अभी दिन का समय होता तो सभी जाने वाले गाड़ियाँ होती। आते ही हथियार वाला पाउच मिला है मुझे। करिश्मा मैम, हम कहाँ पहुँचे हैं? हम कहाँ पहुँचे हैं? पहुँचे हैं आधे, कल पहुँचेंगे आधे बजे। कल आप आ रहे हो? हाँ, आज भी आई थी मैं तो। तैयारी करके आप हमें सरप्राइज दे रहे थे क्या? और क्या। तो गाइज, मैंने भी बोल दिया था कि हम जाएंगे कल ये वो करके, लेकिन और हम आधे रास्ते में पहुंचे हैं और वहीं पर हम खा रहे हैं। अभी बन रहा है मटर पुलाव, गोभी वोभी सब मिक्स। और आज ना ताई जी बहुत अच्छी चंगी है, मतलब थोड़ा सा सुधार है। मैंने सोचा था आप नहीं आ रहे थे, तो हमने माना क्या। बैग पैक, थैले में संतरे, माल्टे, माचिस और चाकू, और रास्ते के लिए एक चाकू, और माचिस जलाने के लिए माचिस, और कौन सा सूट पहनना है वो निकाल दिया था, उसके बाहर से जैकेट भी निकाल लिया था। तो सोचा रास्ता किसी को मालूम नहीं, इसलिए मना किया हमने। मेरे को भी उतना अच्छे से पता थोड़ी था। सो गाइज, अभी दिन का समय हो गया है खाना बनाने का। आज मेरा जो कल का पतिदेव जी ने बनाया था वो है भात के साथ, तो सिर्फ मुझे चावल बनाने हैं, तो चावल चढ़ाती हूँ, जल्दी से भात बन जाएगा, तो फिर खाएंगे उसी को, गरम करेंगे तरी को। इधर साइड को मैं बहुत समय बाद आई हूँ, देखो आज मिला मुझे टाइम। और यहाँ को आज हेमो खोल रहा है ढोल, अकेले लगा पड़ा है। आज सभी ने अपने अपने मशीनें बाहर रखे हैं, दीदी ने भी नीचे, और यहाँ भी अपने अपने मशीन सुधार रखे। ये देखिए क्या मस्त माहौल है, बंदर धूप सेक रहे नीचे खेतों में, बंजर खेतों में। कैसा लगा फिर ब्लॉगरों की बेइज्जती करते हुए? मजा आ रहा है। बंदरों और ब्लॉगरों की कमी नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे बेइज्जत करते हैं हमारे घर में। अब क्या करें, हम आगे बढ़ेंगे फिर ये जलेंगे तरक्की से हमारे। इंदू मिनी ब्लॉग, करिश्मा मैम, करिश्मा का करिश्मा आज से स्टार्टिंग। अच्छा, इंदू ब्लॉग उत्तराखंडी, तो करिश्मा का करिश्मा इंदू ब्लॉग उत्तराखंडी, ये हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे, रोस्टर हैं ये, देखो। और रियलिटी बता रहा हूँ, बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये कैरी पिनाकी एंटी का रीडर इंसान के सपोर्टर है। हाँ, तो हमारे घर में कैरी पिनाकी का काम ये करेंगे, और हम ब्लॉग बनाएंगे तीन लोग अपने अपने चैनल पे, और ये हमें रोस्ट करेंगे, तो देखते हैं किसकी जीत होती है। नीना दी आए, और नीना दी बहुत ज्यादा शॉपिंग करके आए हैं, अच्छी अच्छी शॉपिंग करके आए मनुली के लिए। हेलो मनुली, हेलो तो बोल दे। हेलो, अमरूद लेके आ गया अंदर से। ये रबड़ क्यों लगाया है? कितने का चिपकाया? ये देखो ढेर सारी शॉपिंग, इतनी उतरानी लगी है फिर भी बगल पड़ोस की दुकान से ला रखे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात हुई। उतरानी का माल सस्ता आता है, छोड़ के नहीं, सस्ता आता है पर अच्छा नहीं आता है। पजामे, इनर वगैरह चाची है। ये देखो छत में ऐसी रंगत है दोस्तों, अभी दीदी भी बैठे हैं यहाँ पे, और राहुल, चलो राहुल से जानकारी लेके आते हैं। तो राहुल पेपर देने गए थे, तो पूछ के आते हैं कि कैसा पेपर हुआ था। राहुल दानू जी बताइए कैसा हुआ पेपर? पेपर बहुत अच्छा था, सही रहा पेपर। अच्छा, कितने क्वेश्चन आते हैं? अब वो आंसर की बताएगी। नहीं नहीं, आए कितने थे क्वेश्चन? 100 का। चलो अब देखते हैं फिर राहुल का रिजल्ट। दो पेपर, इससे पहले किस चीज का दिया था? पुलिस कांस्टेबल। पुलिस कांस्टेबल, आज पटवारी था। अब क्या बचा है? अभी है काफी एग्जाम। अच्छा, अभी फॉरेस्ट गार्ड है, बंदी रक्षक, कमिश्नर है। तो देखो दोस्तों,
अब इंसान क्या करे, इतने सारे पेपर देना हुआ। अब जो लड़के हैं वो ब्लॉग बना रहे हैं, बेइज्जती कर दे रहे हैं ये लड़कियां ब्लॉग बना रहे तो बेइज्जती करने के लिए बैठे हैं, लड़के पेपर देते देते थक नहीं रहे हैं, क्या करें, रोजगारी नहीं है। छत में बैठने वालों के लिए काफी रोजगार है, देखो चाची का रोजगार। तो जिनका खाना खाने के बाद कपड़े पड़े उठाए और मारने के बाद देखते हैं ढोल कैसे खोलते हैं। देखो तकनीक, अलग पलट पलट के सब लगे चार पांच जने। सो गाइस, जिसको बाल कटाने हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करना है, मेरे पास आ जाना। मैं ना अपने हाथ से ही कपड़े भी काट लेती हूँ, बाल भी काट लेती हूँ और बस दो मुहे बाल हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उन्हीं को छटिंग कर रही हूँ मैं। ज्यादा नहीं काटती हूँ, देखो कितने कम निकाल रखे हैं, बस थोड़े थोड़े साइडों के, जैसे दो मुहे है ना, इनको ऐसे छटिंग कर रही हूँ। लास्ट में ही है दो मुहे, ऊपर को भी नहीं है, बस यहीं पर मेहनत लगेगी। तो दोस्तों अभी मैं ना जुल्फे निकाल रही हूँ, जुल्फे थोड़े से जुल्फे की कटिंग करती हूँ। ज्यादा हो गए बाल, एक साइड ज्यादा आ गए ना, इस साइड को ज्यादा आए। तो पढ़ाई कर रहा था नीचे ऊपर, मतलब जुल्फे कटिंग करने के लिए यहाँ पे तक पहुँचने चाहिए। ये हमारी घर की कंचना यार, एक साइड को मोटे एक साइड को पतला इस साइड को ज्यादा बड़े कट गए हैं दोस्तों, तो थोड़े से इस साइड को और बढ़ाऊंगी। हट मम्मा, ऑल इन की कॉपी चाहिए। अभी दूंगी, ऑल इन की नहीं, ऑल इन वन, ऑल इन वन, ऑल इन वन की कॉपी। ये गाइस चुफली निकाल दी है मैंने अपनी, मत कर, मत कर, मत कर। तो इन्हें मैं बेचने जाऊंगी, अब जो नकली बाल लगाएंगे। मेरा नया लुक कैसा लगा तो थोड़ा अच्छा लगता है कभी ना अलग। जा नमूने आमरे बाल काट, ये तो इतनी तेज लगती है नमूना आते पीछे से सारे बाल, लंबे बाल कितने मस्त होते हैं। तो ये कुछ ऐसे लग रहे हैं ना, इनको अभी ऐसे टक 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 करूंगी तो अच्छे दिखेंगे, यहाँ पे ऐसे चाइनीज जैसे लग रहे हैं, टक 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 करोगे ऐसे लास्ट में ना, ऐसे कैसे के नोक से करते हैं तो थोड़ा सा अलग सा लुक हो जाता है ना, तभी काटे मैंने इस तरह से ना। ये ऐसे इनके नोक ऐसे ऐसे छटिंग करेंगे तो अपने आप ही। ओ भाई दरवाजा तोड़ दिया। तो दोस्तों शाम का समय है, कुमुंदर मैंने रील्स बनाए यहाँ पे जो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा। लोग बहुत ही ज़्यादा मेले में जा रहे हैं आज, संडे के खूब मज़े ले रहे हैं और धूप भी ढल चुकी है आज। चलिए तो दोस्तों सीधे शाम के बाद मिल रही हूँ रात को। रात का आज खाना वाना सब कुछ हो गया, बाकी घर की साफ सफाई, कपड़े फोल्ड करना, जो भी दिन भर में कपड़े वपड़े धोए थे, फिर दुकान का काम था, सुबह से दुकान में प्रेस लगाए थे, नमो का टीवी बंद हो गया, तो सुबह से ही दुकान में प्रेस व्रेस लगाया था, उनको टांगना टूकना था, उसका काम भी अभी किया शाम को। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। मैं मिलती हूँ कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्यों नहीं बोल रहा, क्यों हो गया उदास, बोल तो सही। ये रोने लग गया दोस्तों, इसका टीवी बंद हो गया। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।